हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का समय है, सुप्रभात। तो किस किस को कौन सो गया था, कौन जागा था रात को? इतना तेज भूकंप आया था, इतना तेज पंखा, मेरा पैर इतना तेज हिल रहा था, ऐसा लग रहा था पंखा गिर के अभी नीचे आ जाएगा, इतना तेज हिल रहा था। ऐसे 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 बहुत ज़्यादा तेज। 11:32 पे आया था, कुछ सेकंड तक आया था और डुगू बीच में ही सोया था, तुरंत उसे लेके भाग गया बाहर, सभी लोग को बाहर लेके भागे। और गांव में तो पता ही है, सभी लोग जल्दी सो जाते हैं, एक हमारे ही घर है लेट सोते हैं, तो हम लोग जगे थे। तो मैं बोली आप क्यों बेड हिला रहे हैं, तो कह रहे हम कहाँ बेड हिला रहे हैं। तो देखा जाए तो पंखा भी हिल रहा था, तब लगा तो पंखा भी हिल रहा है इतना तेज। तो फटाफट डुगू को लेके हम लोग बाहर भागे, मम्मी जी पापा जी और देवा जी को उठाया गया, बाहर भागे गए। फिर थोड़ी देर के बाद फिर अंदर आए। अब सभी गांव में सोए हैं, किसी को अता ही पता नहीं, लेकिन मेरे को इतना डर लगा कि पूरा शरीर कांपने लगा, थर 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 थर। 1 या 1:30 बजे के करीब मैं सोई थी डर के मारे कि दोबारा ना आ जाए इसी वजह से। और कहाँ कहाँ आया था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हमारे यहाँ तो आया था बहुत ज़्यादा। अब मैं सुबह सुबह छत पर क्यों आई हूँ, काम मिल गया है मेरे को, तो देखिए क्या मिला है। मेरे को सब धोना है, शूज वगैरह, डुगू का टॉयज, इधर देखिए इधर ला के रखा है, गाड़ी वगैरह सब धोना है मेरे को। तो धो के फिर नीचे जाऊंगी मैं, ये सारे सैंडल वगैरह सब अच्छे से, जो धोना होगा वो अच्छे से धोऊंगी और जो पोछना होगा पोछ के ऐसी धूप में रख दूंगी। ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो फटाफट धो के फिर मैं नीचे जाऊंगी। तो नहा धो के फिर पूजा वगैरह करना है, नाश्ता पानी करना है, खाना बनाना बहुत काम है। यस बाबू, हाँ अच्छे लग रहे हो। ये मेरा सैंडल पहन के घूम रहा है, देखिए गिर जाओगे डुगू, चोट लग जाएगी। काम करते रहो, पीछे पीछे घूमता रहेगा ये मेरे। मैं जा रही हूँ फटाफट कर लेती हूँ, सुबह का 6:30 बज रहे होंगे तो करके जाऊँगी, तो फिर नहाना भी है मुझे। तो ये सब करने के बाद ही नहाओ तो अच्छा लगता है, शूज वगैरह धोना है इसीलिए। तो मैं सोची पहले धो लेती हूँ फिर नहाती हूँ। तो मैं सोची आप सभी को बता देती हूँ, भूकंप आया था आप सभी को पता है कि नहीं? वैसे तो सुबह उठते ही सबको पता चल ही गया होगा। तो पापा जी को चाय बना के दे के आई हूँ, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह जाना पड़ता है ना मार्केट दुकान का सामान लेने के लिए, इसी वजह से। तो उन्हें पहले काम वाम करके उन्हें चाय बना के मैं दे देती हूँ, तभी कोई काम करती हूँ। तो मैं अभी जस्ट दे के आई रही हूँ ऊपर, एक एक करके सारा सामान लेके आई हूँ, पूरा थक गई हूँ, अभी तक सफाई बाकी है। रोज़ थोड़ा थोड़ा करती हूँ, एक दिन में मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि सारा भी काम देखना, घर का जो रूटीन काम होता है वो भी देखना है, डुगू को भी देखना है, तो इसी वजह से। नहीं तो कितनों का तो 1-2 दिन में हो जाता है, लेकिन मेरे को सब कुछ मैनेज करके ना करना है, तो इसलिए पहले से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, तो ज़्यादा लोड ना पड़े मेरे ऊपर और काम भी फिनिश हो जाए मेरा, तो इसलिए थोड़ा बहुत करती हूँ रोज़। इससे पता नहीं चलता है कि हाँ घर में ज़्यादा काम है इसी वजह से। चलिए फ्रेंड्स, काम कर लेते हैं, नहीं तो बात ही करती रहूँगी तो मेरा काम भी नहीं हो पाएगा। इधर डुगू सैंडल पहन कर घूम रहा है, गिरेगा तो पता चलेगा इसे। खड़ा करके रखना।
वैसे ही आओ। अच्छा रख दो, मैं रखूंगी। कपड़े गीले मत करो, धीरे धीरे। सारा काम कंप्लीट हो गया, सब धुल गया। अब मैं जा रही हूँ नीचे नहाने फटाफट। सारे कपड़े मेरे गीले हो गए हैं, पूरा सब धुल गया, बहुत मेहनत लगी है कि दोस्तों मैंने सारा धो दिए, लाइन से सब डाल दी हूँ धूप में सूखने के लिए। ये देखिए मैं नहा के आ गई हूँ, तो कपड़े उपड़े मैंने पहन लिए। अब मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अभी खाना भी नहीं बना है, मैं अभी चाय वगैरह भी नहीं पी हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। इधर डुगू को भी भूख लग गई है, कह रहा है मम्मी भूख लगी है मुझे कुछ खिला दो, तो मैं कह रही हूँ ठीक है बेटा अभी खिला रहे थे, इसी के वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ फटाफट। जो मेरा सुबह का रूटीन मेकअप होता है हल्का फुल्का, वही मैं कर रही हूँ। तो पहले मैं ऑयली चीज़ कुछ भी ऑयली क्रीम लगा ली, उसके बाद पाउडर लगाई हूँ हल्का सा, फिर बिंदी लिपस्टिक और सिंदूर बस। तो डुगू बार बार डिस्टर्ब कर रहा था कि मम्मी चलो जल्दी कुछ खिला दो कार्टून लगा के, तो मैं कह रही हूँ 5 मिनट रुक जाओ बेटा अभी लगा रहे। मैं फटाफट हो गई हूँ अकंगा, मैं बाद में करूँगी, ऐसी जूड़ा बना ली हूँ, तो मैं खाना वाना बना के फिर कंगा करूँगी। तो चलिए दोस्तों मेरा हो गया है। मैं सिंदूर कभी भी सिर पर पल्ला करके ही लगाती हूँ, कभी भी सिंदूर लगाए तो सिर पर कोई भी दुपट्टा वगैरह कुछ भी रख लें तभी सिंदूर लगाएं। तो मेरा सारा मेकअप हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चाय बना के मैं पीऊँगी और डोगू को भी कुछ खिलाऊँगी। अगर आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय।